हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सबकी डिमांड थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाए, तो मैं आपको टॉप फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और बच्चों, आपको कोई भी चैप्टर करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो मैंने आपके लिए एक फोल्डर बना रखा है सीक्रेट फोल्डर के नाम से। तो यहाँ पे क्लास टेंथ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, हर चैप्टर के आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपको मन कर रहा है रियल नंबर करना है तो रियल नंबर कर लो, पॉलीनोमियल करना है, हर चैप्टर है वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस पर आप क्लिक करोगे तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी अब हम आज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। चलो, पहला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड फाइंड अदर रूट ऑल्सो। ठीक है, तो आपको कभी ऐसी लेना आंसर है तो टू और ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि टू का स्क्वायर प्लस के, ये मल्टीप्लाई में एक्स है तो मल्टीप्लाई टू कर लेते हैं, और ये माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो। टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू एट हो जाएगा, प्लस का टू के, और यहाँ पे माइनस का सिक्स है इक्वल टू जीरो। तो एट माइनस सिक्स यहाँ टू आएगा, तो टू प्लस टू के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से रिजल्ट हमारा आ जाएगा टू के इक्वल टू माइनस टू, तो के आ जाएगा माइनस टू अपॉन टू इक्वल टू माइनस वन। यानी के तो हमारा निकल गया, के तो हमारा आ गया बहुत ईजिली, और इसका आंसर कितना आ गया, माइनस वन। अब बोला है अदर रूट बताओ, अदर रूट, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को अपनी मेन इक्वेशन से कंपेयर करूं, मेन इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो कंपेयर करने पे आपको ए बी सी मिल जाएगा। तो ए कितना आएगा, टू के बराबर, बी किसके बराबर आएगा, के बराबर, और सी आ जाएगा माइनस सिक्स के बराबर। ए बी सी आ गया। अब अगर आपका ए बी सी आ गया यहाँ पे, अगर आपको ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, जब ए बी सी आने के बाद, ए बी सी आने के बाद आपको क्या करना है, हमें एक रूट पता है। जैसे हमें पता है क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, एक रूट हम बोलते हैं अल्फा बीटा, एक अल्फा बोलते हैं और एक बीटा। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा अप्लाई कर दूँ, तो ये आपको एक फॉर्मूला पता होगा सी अपॉन ए, जो कि आपने पॉलीनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे लिए कितना है, ये एक रूट अगर आपको दे रखा था तो यही अल्फा हो गया, दूसरा रूट आपको पता करना है यानी बीटा पता करना है। तो अल्फा को हम टू पुट कर देंगे, बीटा मुझे फाइंड आउट करना है, सी अपॉन ए, सी है माइनस का सिक्स, ए आपका टू है। आया समझ में? इस तरीके से इसको करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, थ्री आया, तो टू बीटा इक्वल टू माइनस थ्री, तो बीटा आ जाएगा माइनस का थ्री बाई टू। तो इस तरीके से बीटा मिल गया माइनस का थ्री बाई टू। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे ये बीटा है माइनस का थ्री बाई टू, और यहाँ पे ये के की वैल्यू आ गई, और ये हमारे बीटा की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। इसका एक और तरीका अगर आप कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, के की वैल्यू यहाँ पुट कर देना और मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। आप वो भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन ये आसान रहता है। चलो, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और ये इसके रूट है इस वाले के क्वाड्रेटिक के, और हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। तो अगर मेरे पास ये एक्स की वैल्यू दो दे रखी है, एक दे रखा है एक्स मेरा टू बाई थ्री, और एक एक्स दे रखा है माइनस थ्री, तो जो एक्स की वैल्यूज होती है जिनको हम रूट बोलते हैं, यही अल्फा बीटा होता है, यानी ये मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा, ये दो चीजें मुझे पता होती हैं कि एक दो रूट होता है वो अल्फा बीटा ही होता है। अच्छा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, तो आपने पढ़ा होगा पॉलीनोमियल में फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट, तो माइनस सेवन, ए कितना है यहाँ पे, ए ही है, और अल्फा मेरा हो गया टू बाई थ्री, और बीटा है मेरा कितना, माइनस का थ्री, माइनस का थ्री, तो यहाँ पे थ्री एलसीएम आ जाएगा, तो टू माइनस का नाइन इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन ए, तो ये माइनस सेवन अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन ए आ जाएगा, माइनस सेवन से माइनस सेवन कट गया, तो ए बराबर किसके आ गया, ए आ गया थ्री के बराबर, ए किसके बराबर आ गया, ए आ गया हमारा थ्री के बराबर। जब आपका ए थ्री के बराबर आया, आपको पता लग गया कि ए मेरा थ्री है, अब आप लगा लीजिए क्या, ए मिल गया, ए तो यहाँ पे ए ही है, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू टू बाई थ्री है इंटू बीटा वैल्यू माइनस थ्री है, थ्री से थ्री कट गया, माइनस बचा और टू, तो माइनस टू,
बी अपॉन ए कितना आया था, ए हमारा 3 आया था, तो 3 पुट कर दो ए को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी कितना आ जाएगा, माइनस का 6। चलो नोट कर लो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं तो कहूंगा नोट बनाया कर, नोट्स बनाया करो यार, ठीक है, लिखा करो, लिखने की आदत डालो। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट क्वाड इक्वेशन एम एक्स ब्रैकेट में एम 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। एम एक्स ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। एम एक्स ब्रैकेट में 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। अब अगर आपको ये गिवन है एम एक्स ब्रैकेट में 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0 और इसके दो रूट हैं, ठीक है, इसके दो रूट अगर आपके पास हैं तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर इक्वल रूट है तो आपको याद होगा एक कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, पता है ये आपको एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा फोर्थ एक्सरसाइज में, जिसमें इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अगर मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है तो पहले मुझे जो मेन कंडीशन है उससे इसको कंपेयर करके एबीसी निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये एम एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5m x इंटू x एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 6mx आ जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब लगा देते हैं कंडीशन क्या, पहले कंपेयर कर लो, चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a आ जाएगा 5m के बराबर, b आ जाएगा माइनस 6m के बराबर और c आ जाएगा 9 के बराबर, c आ जाएगा 9 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 को, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम 0 के इक्वल करें तो b कितना है, माइनस का 6m है, तो माइनस का 6m का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 5m और c कितना है 9 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब देखो कितना आएगा, ये देखो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो ही जाएगा, और ये 36 9 और 4 36 हो गया, 5m को लग रहने दो। अच्छा मैंने 5 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है 36 यहाँ भी है 36 यहाँ भी है, कॉमन मिल जाएगा ना, तो क्या करना जरूरत है मल्टीप्लाई करने, मत करो मल्टीप्लाई, हमें निकालना क्या है इसमें, m निकालना था ना, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ पे 36 मिल रहा है कॉमन और यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m है तो m भी मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ से m बचा, ये m चला गया बाहर 36, तो 5 बचा इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर है, सॉरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। तो यहाँ पे 36m को 0 कर देंगे और m माइनस 5 को 0 कर देंगे और यहाँ से m के लू आ जाएगी, तो 36m को अगर हमने 0 के इक्वल किया तो m आ जाएगा 0.36, तो 0 आंसर आ जाएगा। फिर मैंने m माइनस 5 जो दूसरा फैक्टर है उसको 0 करा तो m आ जाएगा मेरा 5 के बराबर। अब m की दो वैल्यूज आई हैं मेरी, मेरे पास m की जो है ना दो वैल्यूज आई हैं, एक m 0 आया है और एक m 5 आया है, लेकिन 0 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक में तुमने एक कंडीशन पढ़ी है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5m है, तो 5m का मतलब है अगर मैं m को 0 रख दूंगा तो a क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0, फिर तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो इसलिए ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्लियर समझ में आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। चलो तो आंसर हमारा फाइनली इस वाले क्वेश्चन का आ जाएगा m इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट दिस, तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मेन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और इक्वल रूट वाली कंडीशन लगा देंगे। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है,
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो वो लगाएंगे। सबसे पहले कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस, पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं, ए कितना आएगा, ए हो जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर, बी आ जाएगा माइनस का टू एम सी, और सी आ जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हमारा ए बी सी आ जाएगा। तो ए आ गया वन प्लस एम स्क्वायर, बी आ गया माइनस का टू एम सी, सी आ गया सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इस तरीके से ए बी सी आपको मिल गया। अब ए बी सी अगर आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे अगर आपको मिल गया है तो लगा दो कंडीशन किसकी, सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर हमें जीरो करना होगा। तो बी कितना है, माइनस का टू एम सी, माइनस का टू एम सी का होल स्क्वायर फोर, ए कितना है वन प्लस एम स्क्वायर, और सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमने इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा इसके बाद, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है, तो ये फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का फोर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं कितना आएगा, देखा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ, समझ आएगा। चलो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, वन का मल्टीप्लाई करूँ तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। अब देखो फोर यहाँ पे भी है, फोर यहाँ पे भी है, दोनों टर्म में फोर फोर है, फोर से डिवाइड कर दो, तो फोर से डिवाइड करा तो यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे बचा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर जीरो। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये कैंसिल हो गया। इस माइनस सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में कर दो तो प्लस का सी स्क्वायर हो गया, आर एच एस एल एच एस में हमारा ए स्क्वायर बचा और यहाँ पे एम स्क्वायर ए स्क्वायर बचा। तो इन दोनों में अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बचा वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से ये भी हमारा प्रूफ हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एम स्क्वायर, समझ में आया। चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें सॉल्व करना है 36x² माइनस 12ax प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम नॉर्मली क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं लेकिन जब इसकी बात आती है तो कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन तरीका वही है जो हम लोग नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिट में लगाते हैं। क्या तरीका होता है, जैसे ये 36x² है, ये हमारा जो 36x² है माइनस का 12ax और यहाँ पे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसके फैक्टर क्या होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, यही होगा। अब रूल क्या कहता है, आपको याद हो मिडिल टर्म स्प्लिट में हम लोग क्या करते थे, जो ये x के बाद लिखा होता है, यानी कि क्या a प्लस बी ए माइनस बी, ये जो x के बाद लिखा होता है कॉन्स्टेंट नंबर जिसको हम बोलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना होता है x स्क्वायर के कोफिशियंट से, यानी 36, और अब इनको ऐसे ब्रेक करना है कि बीच का टर्म आ जाए यानी 12a आ जाए, यही तो मतलब है, यही हमारी कोशिश होती है। तो भाई देखो 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 6, ठीक है, अब तुम्हें देखना है कैसे कर सकते हैं, एक सिक्स इसको दे दो और एक सिक्स इसको दे दो, तो ये बन जाएगा 6a प्लस 6b और एक बन जाएगा तुम्हारा 6a माइनस का 6b। अब तुम लोग क्या करते हो, जब तुम फैक्टर कर लेते हो उसके बाद ये डिसाइड करते हो कि इन दो फैक्टर को हमें कैसे ब्रेक करना है, समझ रहे हो, इन दो फैक्टर को हमें कैसे ब्रेक करना है, 6a प्लस 6b को, 6a माइनस 6b को मुझे कैसे ब्रेक करना है, यही तो मतलब हो रहा है, इसको मुझे कैसे ब्रेक करना है 6a प्लस 6b को और 6a माइनस 6b को। इसके लिए क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं 6a प्लस 6b और 6a माइनस 6b को जो ब्रेक करना है आपको, तो इसके लिए कोशिश ये है हमारी कि
आपको ये देखना है कि कैसे भी 12A आ जाए, तो आप बताओ इनको अगर मैं ऐड कर दूं इन दो नंबर्स को, तो 6B से 6B कट जाएगा, तो क्या 12A आ जाएगा? यही हमारी अप्रोच होती है। तो हम इन दो फैक्टर्स को लेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 36x² माइनस ब्रैकेट लगा लो, और 12A की जगह दिस प्लस दिस लिख देंगे, यानी कि 6A प्लस का 6B प्लस 6A माइनस 6B, और बाहर x लिख देंगे, और ये अपनी जगह रहेगा ऐसे a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0, ऐसे ही रहेगा ये वाला टर्म। अब बस x का इसमें ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का इसमें ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36x² माइनस का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ये आ जाएगा 6A प्लस 6B, x भी कर लो अंदर मल्टीप्लाई, और ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, 6A माइनस 6B इंटू x प्लस, और ये जैसा है वैसे रहने दो, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब है मैं x निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 36x² माइनस इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी इंटू x, यहाँ पे 6 कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी इंटू x, और ये तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे इसमें और इसमें बात करूं तो 6x मिल रहा है कॉमन, मिल रहा है ना, तो यहां से बचेगा 6x माइनस, ये 6 और x बाहर चला गया, तो ये बचा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे देखो a माइनस बी, यहां पे भी a माइनस बी है, तो माइनस का a माइनस बी ले लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा 6x। और देखो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और a माइनस बी कॉमन लिए तो बच्चा क्या होगा a प्लस बी, और जैसे ये करा तो आप देख सकते हो कि इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में सेम आ गया। यही तो होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट में, क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट में, ये टर्म सेम आता है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 6x माइनस का a प्लस बी, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6x माइनस दिस 6x माइनस का a माइनस बी इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको 0 करेंगे, यानी कि 6x माइनस ऑफ a प्लस बी को अगर मैं 0 के बराबर करूं तो 6x आ जाएगा a प्लस बी, तो x आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 6, x क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया होगा, और अगर मैं इसको 0 करूं, यानी 6x माइनस ऑफ a माइनस बी को 0 करूं, तो 6x आ जाएगा, ये इधर गया a माइनस बी, तो x आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 6 के बराबर। तो इस तरीके से हमें x की दो वैल्यूज मिल गई हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को इतना सपोर्ट करते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है तो फोल्डर में मैंने दे रखे हैं, आप लोग सारे चैप्टर्स कर सकते हो जो भी स्कूल टेस्ट में होने वाले। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।